यूपी की 10 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए सरकार और संगठन मिलकर तैयारियों में जुटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गठित 30 मंत्रियों की टीम के अलावा सीएम और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी दो दो सीटों पर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगे। सीएम आवास पर सोमवार को ही टीम 30 की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों से विधानसभा बार अब तक की तैयारियों के बारे में फीडबैक भी लिया। बता दें कि प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों की टीम बनाकर क्षेत्र में भेजा था। सीएम ने हर सीट पर 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। वहीं भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बूथ स्तर तक के संगठन की स्थिति के साथ ही समुदायवार जनता से अलग अलग संवाद करके भाजपा को फीडबैक जुटाने के निर्देश दिए थे। इसकी कड़ी में मुख्यमंत्री ने टीम 30 की ये तीसरी बैठक बुलाई थी। 5 कालिदास मार्ग पर हुई बैठक में पहले सभी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियों के साथ जनता से मिले फीडबैक की जानकारी से योगी को अवगत कराया। सीएम ने सभी मंत्रियों पर संगठन के पदाधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ फील्ड में रहने के साथ ही जनता के साथ लगातार संवाद करते रहने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सभी को बूथवार जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अलग समुदाय के प्रभावशाली पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाने को कहा है। उन्होंने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और उन्हें जनता के बीच में बने रहने को कहा है। सीएम ने सभी मंत्रियों से बूथवार जातीय समीकरण के लिहाज से बनी टीमों से लगातार संपर्क में बने रहने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने मंत्रियों से कहा कि कमजोर बूथों को मजबूत करते हुए वहां के लिए विशेष कार्य योजना भी तैयार करें, साथ ही विपक्ष के भ्रामक प्रचारों को लेकर विशेष तौर पर सतर्क रहें। अगर ऐसी स्थिति कहीं मिलती है तो जनता के बीच ऐसी भ्रामक अफवाहों का खंडन करें और उन्हें वास्तविक मुद्दों से भी अवगत कराएं। मुख्यमंत्री इससे पहले भी टीम 30 की 2 बैठकें कर चुके हैं, ये तीसरी बैठक थी। खास बात ये रही है कि उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर हुई बैठक में पहली बार दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी शामिल हुए। इस बैठक में संगठन के उन पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था जिनको उपचुनाव की तैयारियों के लिए मंत्रियों के साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है। इस बैठक में न सिर्फ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया गया बल्कि सरकार और संगठन से जुड़े सभी अहम लोगों को एक साथ बैठक में बुलाकर सीएम ने सरकार और संगठन के सामंजस्य को और मजबूत करने का एक संदेश भी दिया है। वहीं सीएम आवास पर ये बैठक भले ही उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई है लेकिन सीएम ने सभी मंत्रियों से ये भी कहा है कि जनता से संवाद के दौरान संभावित और मजबूत प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर चर्चा भी करें, जनता से प्रत्याशियों के बारे में सुझाव भी लें, ये भी पूछें कि उनकी पसंद कौन है और जातीय समीकरण के लिहाज से जनता की पसंद कौन बन सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।